फ्रेंड्स वेलकम टू बीएल इंग्लिश क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ लेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम वी आर लर्निंग यूज ऑफ लेट। आज हम लेट का प्रयोग करना सीखेंगे कि लेट का मतलब क्या होता है और इसे किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट का मतलब होता है देना, यानी कि इसका देने का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज को देना, यानी कि किसी को अनुमति देना, आज्ञा देना। यानी लेट का मतलब होता है किसी को कोई कार्य करने देना, यानी किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने देना, लेट का मतलब ये होता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, लेट का अर्थ है किसी को कोई कार्य करने की अनुमति देना, यानी किसी कार्य को करने देना, यानी किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने देना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मुझे पढ़ने दो, उसे बैठने दो, हमें खेलने दो, उन्हें आने दो। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम यानी कि टेंस के अनुसार बना सकते हैं, वह पढ़ने नहीं देता है, वह मुझे आज मेरा नाम काम करने नहीं देता है, उसने उसे बैठने नहीं दिया, वह मुझे आज मेरा काम करने नहीं देगा। तो इस तरह से सेंटेंस हम लेट का प्रयोग करके इस तरह से हम अंग्रेजी में बोलचाल में इस लेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी कि मैंने इसमें यहाँ पे लिखा है, मुझे अभी स्कूल जाने दो, उसे अंदर मत आने दो, उसे अकेला नहीं जाने दो, मुझे पढ़ने दो। तो यानी इसका मतलब ये है स्टूडेंट, कोई कार्य यानी कि किसी दूसरे को करने देना। तो लेट का अर्थ यानी होता है देना। तो आप ये ना समझे कि सर ने यहाँ पर लेट देना लिखाया है, तो देना का मतलब ये है कि हम किसी वस्तु को देना नहीं, ओनली सिर्फ यहाँ पे एक किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने देने के अर्थ में देना मतलब लेट का प्रयोग किया गया स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, तो हम इसमें जब लेट का प्रयोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम किसके अर्थ में कर रहे हैं, यानी अनुमति देना किसी को, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने देना के अर्थ में, न कि किसी वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने दो तरह से स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, यानी कि मैंने पहला स्ट्रक्चर जो लिखा है वो ऐसे सेंटेंसों के लिखा है जैसे इम्परेटिव सेंटेंसों के रूप में। जैसे मैं कहूँ यानी कि मुझे अभी स्कूल जाने दो, उसे अंदर मत आने दो, यानी ये इम्परेटिव सेंटेंसों के रूप में, मुझे अभी स्कूल जाने दो, उसे अंदर मत आने दो। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कर्ता छिपा हुआ रहता है, जैसे यानी कि मुझे अभी स्कूल जाने दो, अब इसमें जाने देने वाला जो याद दे रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, उसे अंदर मत जाने दो, यानी कि इसमें अंदर जो नहीं आने दे रहा है उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब ऐसे सेंटेंसों में जब कर्ता नहीं होता है तो इनमें हम क्या करते हैं कि इनकी शुरुआत हम मेन वर्ब से करते हैं। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, लेट है स्टूडेंट्स। तो हम मेन वर्ब क्या है इसमें, लेट है। तो लेट यानी कि इजाजत देना या देना। तो स्टूडेंट्स, और दूसरा सेंटेंस है हमारा जैसे कि यानी कि दूसरे मतलब उसे करें, दूसरे स्ट्रक्चर मैंने इस वजह से लिखाया है कि इसमें सब्जेक्ट होता है तो लेट का प्रयोग करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, यानी इसमें टेंस के अनुसार हम लेट का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले को हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। जैसे कि मैंने कहा, मुझे अभी स्कूल जाने दो, उसे अंदर मत आने दो, उसे अकेला नहीं जाने दो, मुझे पढ़ने दो। यानी इसमें क्या होता है कि यानी कि जब कर्ता नहीं होता है स्टूडेंट्स, जब कर्ता नहीं दिया होता है तो हम ऐसे सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत लेट से करते हैं स्टूडेंट्स, और इसमें नेगेटिव होता है तो हम वाक्य की शुरुआत डोंट से करेंगे, तब हम लेट लगाएंगे स्टूडेंट्स। और अगर सब्जेक्ट उसमें दिया गया है तो स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब सब्जेक्ट दिया गया है तो हम वाक्य की शुरुआत टेंस के अनुसार कराएंगे, यानी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, लेट ऑब्जेक्ट वर्ब, और नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेट यानी कि बिना, जैसे कि विदाउट सब्जेक्ट वाले सेंटेंसों को देखेंगे। तो मुझे अभी स्कूल जाने दो, यानी मुझे अभी स्कूल जाने दो, तो सबसे पहले इसमें लेट का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स। किसका प्रयोग करेंगे, लेट का, मुझे अभी स्कूल जाने दो, लेट, लेट सबसे पहले, लेट उसके बाद मी, लेट मी गो टू स्कूल, SCHOOL स्कूल, NOW नाउ, उसे अंदर मत आने दो, उसे अंदर मत आने दो, इसमें भी लेट का प्रयोग हो रहा है। तो मैंने अव्याल बोला था कि नेगेटिव सेंटेंस होने पर डोंट लगाते हैं स्टूडेंट, क्या लगाते हैं, डोंट लगाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, डोंट, उसके बाद लेट लिखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें स्टूडेंट्स, उसे, उसे के लिए लड़की है या लड़का पता नहीं है, तो हिम भी लिख सकते हैं या आर भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो डोंट लेट हिम, अंदर मत आने दो, तो कम
एन कम एन अब पॉइंट लगेगा, उसे अकेला नहीं जाने दो, उसे अकेला नहीं जाने दो, इसके लिए हम बनाएंगे यानी कि डोंट लेट उसे कि हिम हिम अब जाने के लिए गो अलोन ए एल ओ एन ई अलोन। उसके बाद है मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो यानी कि सबसे पहले लेट, लेट माने होता है पढ़ने मतलब लेट माने देना यानी कि पढ़ने देना के लिए लेट, और मी माने मुझे तो लेट मी रीड, लेट मी रीड। तो स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपको अच्छी तरह से बताऊं यानी कि चाहे कंपटीशन में कर रहे हो या ग्रामर में कर रहे हो किसी भी सेंटेंस में अगर लेट का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि जैसे कि मैं कहूँ हिम मी अस या फिर यू, जैसे ये सब ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो आते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये की है कि इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें सबसे पहले लेट का प्रयोग किया जाएगा और नेगेटिव में सबसे पहले लेट से पहले डोंट का प्रयोग किया जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस अगर टेंस के अनुसार हम बना रहे हैं तो चाहे कौन सा भी सेंटेंस आ जाए तो हम क्या करेंगे उसे सेंटेंस के हिसाब से हम बनाएंगे। तो इसमें क्या है कि मेन वर्ब के रूप में हम लेट को मानकर चलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स वह मुझे यहाँ नहीं बैठने देता है, तो इसमें सेंटेंस को देखना पड़ेगा हमारा कौन सा सेंटेंस है। उसने उसे पढ़ने नहीं दिया, इसमें टेंस को देखना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस है। हम तुम्हें झगड़ने नहीं देंगे, इसमें देखना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस है। तो इसमें देता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है, वह मुझे यहाँ नहीं बैठने देता है, तो ही सबसे पहले ही। और मैंने ये भी बताया आपको कि टेंस के अनुसार अगर हम बनाएंगे तो अगर कर्ता दिया हुआ है तो सबसे पहले कर्ता लिखा जाएगा, तो ही, उसके बाद नहीं देता है तो डज नॉट, ही डज नॉट, उसके बाद लेट। और मैंने वाली आपको बताया है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है यानी कि ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या है मुझे, तो लेट मी। अब यहाँ के लिए उसके बाद क्या लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है इसमें सिट माने बैठने नहीं देता है, तो ही डज नॉट लेट मी सिट। अब कहाँ पर बैठने देता है यहाँ, तो हियर। अब देखिए स्टूडेंट्स तुमने उसे पढ़ने नहीं दिया तो ये सेंटेंस फास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, तो इसको कैसे बनाएंगे, यू यू डिड नॉट पढ़ने नहीं दिया यानी कि लेट उसे, तो हिम रीड उसे पढ़ने नहीं दिया, हम तुम्हें झगड़ने नहीं देंगे। सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट वाला सेंटेंस, इसमें विल या शैल का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले वी उसके बाद शैल उसके बाद नॉट उसके बाद लेट एल ई टी लेट। अब किसको झगड़ने नहीं देंगे तुम्हें, तो यू वाई यू यू, मैंने कहा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव यू। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, झगड़ने नहीं देंगे तो तब क्वारल लिखेंगे, क्यू यू ए डबल आर ई एल क्वारल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बनाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स वह मुझे रोने नहीं दे सकता है, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कौन सा सेंटेंस है, यानी ये सेंटेंस है मॉडल सेंटेंस है, तो इसमें कैन का प्रयोग हुआ, ही कैन नॉट लेट उसके बाद मुझे रोने नहीं दे सकता है, तो लेट मी वीप डब्ल्यू डबल ई पी बीप। अब स्टूडेंट्स वह उसे खेलने नहीं देता है, तो ही सबसे पहले ही डज नॉट, ही डज नॉट खेलने नहीं देता है, तो लेट किसको नहीं देता है पता नहीं चल रहा, लड़की को देता है लड़का को देता है, तो इसमें हम हिम भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं, तो लेट हिम। उसके बाद क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्ले, लेट हिम प्ले। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इन सेंटेंसों का प्रयोग कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको फिर बताना चाहूंगा यानी कि लेट का अर्थ होता है देना, आप ये न समझें कि देना किसी वस्तु को देना होता है, देने का मतलब ये है किसी को इजाजत देना यानी किसी को किसी काम को करने देना, यानी मैं कहूँ वह मुझे बैठने नहीं देता है, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, वह मुझे लिखने नहीं देता है, वह मुझे पढ़ाने नहीं देता है, तो इस तरह से हम इसमें लेट का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। अब लेट का प्रयोग मैंने दो तरह से बताया था यानी कि पहले जो करता होता है और करता नहीं होता है, तो देखिए पहले बताया था मैंने करता जो नहीं होता, तो करता ना होने पर हम कह सकते हैं जैसे हुआ मुझे मतलब मैं कहूं कि मुझे पढ़ने दो लिखने दो आने दो जाने दो खाने दो पीने दो, तो इसमें क्या करता नहीं है, और इस और जो करता होता है उसमें हम सब्जेक्ट लगाते हैं, तो स्टूडेंट इस तरह से हम करते हैं। और बोलचाल में इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे देखिए, जैसे कि मैं किसी से इजाजत मांग रहा हूं या इजाजत दे रहा हूं या अनुमति मांग रहा हूं, जैसे कि मुझे पढ़ने दो लेट मी रीड, मुझे खाने दो लेट मी ईट, मुझे बोलने दो लेट मी स्पीक, मुझे झूठ बोलने दो लेट मी टेल ए लाई, मुझे घर जाने दो लेट मी गो टू होम। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इनका प्रयोग
कर सकते हैं। और भी जैसे कि मुझे अंदर आने दो, लेट मी कम इन, मुझे यहाँ से जाने दो, लेट मी गो फ्रॉम हियर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और मतलब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, मतलब वी कैन मेक अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के अनुसार भी हम इनको बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ वह मुझे पढ़ने नहीं देता, ही डज नॉट लेट मी रीड। और मैं कह सकता हूँ वह मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं देता, ही डज नॉट लेट मी स्पीक इंग्लिश। वह मुझे कल ग्वालियर नहीं जाने देगा, तो मैं कह सकता हूँ ही विल नॉट लेट मी गो टू ग्वालियर टुमारो। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन सेंटेंसों का प्रयोग कर सकते हैं लेट का। और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ तुम्हें, जैसे कि उसने मुझे पैर छूने नहीं दिए, उसने मुझे पैर छूने नहीं दिए। स्टूडेंट्स इसका बनेगा, जैसे कि सबसे पहले बनेगा ही डिड नॉट लेट मी टच फीट। स्टूडेंट्स इस तरह से हम और भी सेंटेंस कह सकते हैं, जैसे कि उसने मुझे नए कपड़े नहीं पहनने दिए, ही डिड नॉट लेट मी वेयर न्यू क्लॉथ्स। उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया, तो ही डिड नॉट लेट मी ईट फूड। उसने मुझे अंग्रेजी नहीं बोलने दी, लेट ही डिड नॉट लेट मी स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन सेंटेंसों का लेट का प्रयोग करके इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बोल सकते हैं और अपनी अंग्रेजी को अच्छी बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।